हैं, तो ये आपके शरीर की कई बीमारियों को खत्म करता है। लेकिन हम लोगों के घर में गुड़ तो है, लेकिन गुड़ को खाने का सही ढंग नहीं मालूम। कुछ लोग गुड़ को चाय में या दूध में डालकर पीते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि गुड़ को कभी भी दूध में नहीं डालना चाहिए। अगर आप गुड़ को दूध में डालकर दूध को उबालते हैं तो आप गुड़ और दूध दोनों की गुणवत्ता खत्म कर रहे हैं। गुड़ को लेने का सबसे सही तरीका है, या तो आप इसे खाने के बाद लें बिना किसी चीज के साथ, खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ खाएं, या आप सुबह उठते ही खाली पेट गुड़ खाएं और ऊपर से गर्म पानी का एक गिलास पिएं। ये दो तरीके हैं जिससे आप गुड़ ले सकते हैं। अगर आप सुबह उठकर खाली पेट गुड़ का सेवन करेंगे, ऊपर से गर्म पानी पिएंगे, तो इससे जो आपको फायदे होंगे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। चलिए थोड़ा फायदों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, कफ यानी कि बलगम, आपके शरीर में अगर कफ बढ़ा हुआ है, आपको सर्दी खांसी जुकाम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, लंग्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम जैसे टीबी या निमोनिया है, आपके लिए गुड़ सबसे अच्छा है। कुछ लोगों को लंबे समय से कफ की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में गुड़ का सेवन आपके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि गुड़ में फॉस्फोरस काफी मात्रा में है। हमारे शरीर में जब भी कभी बलगम बढ़ती है, कफ बढ़ता है, उस समय हमारे शरीर में फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। फॉस्फोरस एक केमिकल है, इस केमिकल की कमी से ही हमें कफ होता है। इसलिए अगर आप सुबह उठकर खाली पेट गुड़ खाते हैं, ऊपर से गर्म पानी पीते हैं, तो इससे आपका पुराना से पुराना कफ सही हो सकता है। चाहे वो 10 साल पुराना कफ हो, आप गुड़ के जरिए इसे खत्म कर सकते हैं। दूसरा है, ये खाना पचाने में मददगार है, हमारे पेट को साफ करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। अगर आप खाली पेट गुड़ खाकर गर्म पानी पीते हैं, तो इससे हमारी पाचन शक्ति बहुत बढ़ती है, जिससे हमारे पेट से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, आपकी बड़ी आंत की सफाई होती है और आपका शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहना शुरू हो जाता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। बाल झड़ने के केस में आपको बाहर से कुछ नहीं लगाना, क्योंकि बाल क्या हैं? बालों की जड़ें होती हैं। इसलिए बाहर से कुछ लगाने पर बालों को कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपके बाल झड़ते हैं, सफेद हैं, तो आपको कुछ ऐसा खाना होगा जो बालों को न्यूट्रिशन दे। इसके लिए गुड़ सबसे अच्छा है। अगर आप सुबह उठकर गुड़ और गर्म पानी का सेवन करेंगे, तो आपके झड़ते हुए बाल एक महीने में बंद हो जाएंगे और आपके बाल लंबे होने भी शुरू हो जाएंगे। अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो वो काले होने लगेंगे। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, तो आपके लिए गुड़ और गर्म पानी सबसे अच्छा है, क्योंकि गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में है और ये आयरन हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। खून की कमी होने पर हमारे शरीर में ढेरों बीमारियां होती हैं, जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग में नहीं पता चलता। लेकिन आप सोचिए, खून हमारे शरीर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी गाड़ी के लिए पेट्रोल। अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो वो गाड़ी चलना बंद हो जाती है। ठीक उसी तरह से अगर हमारे शरीर में खून की कमी आ जाए या खून कम हो जाए, तो इससे हमारे शरीर की गाड़ी भी रुक सकती है, यानी हमारी मौत भी हो सकती है। तो आप इस बात को नजरअंदाज ना करें। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, तो इससे लो बीपी होना, चेहरे पर दाग धब्बे या झुर्रियां होना, कमजोरी रहना, बालों का झड़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको खून की कमी से ही आती हैं। अगर आप गुड़ और गर्म पानी का सेवन करेंगे, तो आपके शरीर में से खून की कमी दूर होगी, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहने लगेगा। आपको थकान, सिर दर्द, लो बीपी, बालों का झड़ना, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स, इन सभी चीजों से आराम मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर के केस में भी गुड़ खाना सबसे अच्छा है। जो लोग सुबह उठकर गुड़ और गर्म पानी का सेवन करते हैं, वो पुराना से पुराना हाई ब्लड प्रेशर सही कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर दोस्तों बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन हम लोग इसे छोटी बीमारी समझते हैं, क्योंकि डॉक्टर हमें इस बीमारी के लिए छोटी सी दवाई देता है और उस छोटी सी गोली को खाकर हमें लगता है कि ये हाई बीपी तो नॉर्मल है। दोस्तों, हाई बीपी को हाइपरटेंशन या साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट किलर मतलब ये आपको मार सकता है। अगर आपका हाई बीपी है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। हाई बीपी के कारण आपके ब्रेन की नर्व्स खत्म हो सकती हैं, ब्रेन की नर्व्स बर्स्ट हो सकती हैं, जिससे आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, लकवा पैरालिसिस हो सकता है। तो आप हाई बीपी को नजरअंदाज ना करें। हाई ब्लड प्रेशर कितना भी पुराना हो, सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुड़ खाकर 2 से 3 गिलास गुनगुने पानी के पीजिए। ऐसा करने से 1 से 2 महीने में पुराना से पुराना हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाता है। ये बहुत ही बढ़िया नुस्खा है हाई ब्लड प्रेशर के केस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम सूर्य की रोशनी के जरिए अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को सही कर सकते हैं, डायबिटीज को, थायराइड को कैसे सही कर सकते हैं, और दूसरा हमने जाना गुड़ और गर्म पानी के सेवन से कैसे हम ढेरों बीमारियां सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहना इतना आसान है,
बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे स्वस्थ रहना है। लेकिन आजकल जो भी हमें डॉक्टर्स बताते हैं या जो हमें टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं, हमें उन पर ही विश्वास करना पड़ता है। अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई फिर तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का काम कैसे चलेगा, इतनी जो कंपनियां खुली हुई हैं उनका काम कैसे चलेगा। तो इस कारण से ये लोग आपके अंदर भ्रम डालते हैं कि आपको डायबिटीज है ये तो खत्म हो ही नहीं सकती, हाई बीपी है ये तो खत्म हो ही नहीं सकता, थायराइड है ये तो खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ये बीमारियां खत्म करना कितना आसान है आज आप समझ ही चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही।